हाफिजाबाद शहर में म्यूनिसिपल कारपोरेशन की नाकिस कारकर्दगी की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। इस हवाले से ब्यूरो चीफ शफकत अली पहलवान से तफसीलात जानते हैं। जी शफकत अली, तफसीलात से आगाह कीजिए, क्या सूरत हाल है? अजी हाफिजाबाद शहर भर में जगह जगह गंदगी के ढेर हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बन रहे हैं। इस वाले से मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो आला काम से क्या मुतालबा करते हैं, क्योंकि म्यूनसिपल कारपोरेशन सिर्फ दफ्तरों की हद तक महदूद रह गई है, सफाई का बिल्कुल नाकस इंतजाम है। शहरी से जानते हैं इस वाले से क्या कहते हैं। अजी आप इधर शहर के रहने वाले हैं, सफाई के वाले से आप क्या मुतालबा करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफाई साढ़े को नहीं है, मीडिया का बड़ा ही शुक्र गुजार रहा अभी कि मीडिया ने आके साढ़े को पूछने की कोशिश की, नहीं तो साढ़े तो इस इलाके ना MLA ना MPA ना कोई शह ना चेयरमैन ना बल्दिया कोई साढ़ा चाणस नहीं। गली गली घूम के देख लो कि इस तरह ही मच्छर गंदगी साढ़े तो बहुत ज्यादा बोझ पाई बैठी है। बच्चे साढ़े बीमार ने, आप असी बीमार हैं, कोई हालात नहीं तो ये साढ़े तो शफकत की जाए। वजीरे आला पंजाब में चाहते हैं कि साढ़े शफकत करे तो अपनी टीम भेज के इतने का सर्वे करा के साढ़े तक कोई मुश्किल तो कदे सानू। आज शहरियों का कहना है कि इधर कोई इंतजामिया का बंदा सफाई के लिए शहर में आने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और मुख्तलिफ बीमारियाँ और तौफन फैल रहा है, जिसकी वजह से इन बच्चों में बीमारियाँ जो है वो जन्म ले रही हैं, बच्चे जो है वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। लिहाजा अलाकाओं को चाहिए कि सफाई पर खसूसी तवज्जो दें। जी।